अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम में कोई भी कंडक्टर, कोई भी फ्री चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं रह सकता, इसलिए फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। ओके, फ्री करंट डेंसिटी कितनी होगी? आप जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर किसी कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा है, जहां सिग्मा क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर है, ठीक है? तो कितना करंट फ्लो होगा अगर किसी कंडक्टर पर हम इलेक्ट्रिक ई लगाते हैं? तो कितना फ्री करंट डेंसिटी इसमें प्रोड्यूस होगी? सिग्मा ई। ओके, ये होगा, ये हो गया हमारा, ठीक है। और डी किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली बात है, डी किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन ई के। और बी किसके बराबर होगा? म्यू एच के, जहां पर म्यू एंड एप्सिलॉन क्या है? म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ कंडक्टर, एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर। क्लियर है? तो इतनी बातें हो गई। तो डायलेक्ट्रिक के मुकाबले अगर देखा जाए तो एक ही चीज में बदलाव आया है। इफ वी कंपेयर इट विद डायलेक्ट्रिक, देन वी विल सी दैट ओनली वन थिंग हैज चेंज्ड, वन पैरामीटर हैज चेंज्ड, दैट इज जेएफ। और जेएफ पहले जीरो था डायलेक्ट्रिक के केस में, जेएफ इन केस ऑफ डायलेक्ट्रिक वाज जीरो, बट हियर इट इज नॉन जीरो। और वो भी किसके चेंज होने से आया है? इसके चेंज होने से, सिग्मा के चेंज होने से। ओके, अब हम क्या करते हैं, फिर से वही काम करते हैं क्या? वी विल राइट डाउन द मैक्सवेल इक्वेशन जनरलाइज फॉर्म एंड देन वी विल राइट डाउन। तो हम इस तरफ लिखेंगे क्या? जनरलाइज फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशंस का जनरलाइज फॉर्म लिखेंगे। क्या होता है जनरलाइज फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन? डेल डॉट पी इक्वल्स टू रो थ्री वन। दूसरा क्या होता है? डेल डॉट बी इज जीरो टू कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डेबर बाय डेबर टी थ्री। एंड फोर्थ क्या होता है? फोर्थ होता है कर्ल ऑफ एच इक्वल्स टू जे थ्री प्लस डेवर डी बाय डेवर टी। चार नंबर, ये अब इसको हम किसमें बदलेंगे? विल राइट देम फॉर कंडक्टर। कंडक्टर में पहला इक्वेशन क्या होगा? पहले इक्वेशन में हम रखेंगे डेल डॉट डी मींस एप्सिलॉन ई इक्वल्स टू रो फ्री जीरो। नाउ इसकी जो परमिटिविटी होती है कंडक्टर की, वो एक स्केलर होती है, तो एप्सिलॉन को जब बाहर लोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी आपकी? डेल डॉट ई इक्वल्स टू जीरो। कंडक्टर में भी डेल डॉट ई जीरो रहता है, इक्वेशन नंबर वन, सॉरी वन नहीं फाइव। डेल डॉट बी पर क्या असर होता है? इट रिमेन सेम,
ठीक, थ्री फैराडेज लॉ रिमेन सेम। अभी तक की जो तीन इक्वेशन आपको मिली हैं वो डायलैक्ट्रिक जैसी या फ्री स्पेस जैसी हैं। हमेशा चेंज किसमें मिलता है? वी ऑलवेज फाउंड अ चेंज इन फोर्थ इक्वेशन। वो क्या है? एच की जगह आप क्या लिखेंगे? बी बाय म्यू, बट यू विल राइट फॉर एच। आप कर्ल एच की जगह लिखेंगे कर्ल ऑफ बी बाय म्यू इक्वल्स टू जे फ्री कितना है इस बार? सिग्मा ई। और डी की जगह क्या लिखेंगे आप? डबल डी बाय डबल टी एप्सिलॉन ई। इससे हमारा क्या बनेगा इक्वेशन? फाइनल इक्वेशन में लिख रहा हूं व्हाट यू विल गेट फाइनली। फाइनली यू विल गेट दिस कर्ल ऑफ डी इक्वल टू म्यू सिग्मा ई प्लस म्यू एप्सिलॉन डबल ई बाय डबल टी। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर एट। ओके, तो 5, 6, 7, 8 आर द मैक्सवेल इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडिया। ओके, ये कंडक्टिंग मीडियम में मैक्सवेल इक्वेशन है। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं इफ एट एनी स्टेज ठीक है we put sigma equals to zero, if at any stage we put sigma equals to zero, ठीक है इसका मतलब क्या है? सिग्मा जीरो मतलब इंसुलेटर, ठीक है then All the results of conducting medium, then all the results of conducting medium will be valid in insulating medium will be valid in insulating मतलब dielectric medium। मेरी बात समझ रहे हो आप? मैं किसी भी स्टेज में, यही नहीं किसी भी स्टेज में जाकर अगर मैं सिग्मा को जीरो कर दूंगा तो आप देख सकते हैं ये मैक्सवेल इक्वेशन किसकी बन जाएगी? सिग्मा जीरो करने से द मैक्सवेल इक्वेशन विल बी वैलिड इन डायलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है तो सिर्फ यही नहीं कहीं भी किसी भी पैरामीटर में आगे जाकर अगर हम सिग्मा को जीरो कर देंगे तो सारे के सारे रिजल्ट किसके लिए बन जाएंगे? ऑल द रिजल्ट विल बी वैलिड फॉर डायलेक्ट्रिक। ठीक है ये तो क्या फर्क है डायलेक्ट्रिक और कंडक्टर में? सिर्फ एक ही चीज का फर्क है सिग्मा का। ठीक है तो ये है तो हमारे पास तीन वेरिएबल है मीडियम के। अब पहले दो होते थे, पहले कौन होते थे? पहले एक म्यू होता था, एक एप्सिलॉन होता था। पहले कौन होते थे? दो, म्यू एंड एप्सिलॉन। अब कौन आ गया एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा आ गया सिग्मा। तीन हो गए। अब कौन कौन मीडियम के पैरामीटर हैं जो ईएम वेव प्रोपगेशन को डिसाइड करेंगे? देयर आर नाउ थ्री पैरामीटर्स, परमिटिविटी एप्सिलॉन, परमिएबिलिटी म्यू एंड कंडक्टिविटी सिग्मा। तीन पैरामीटर है अब, वहां पर दो होते थे क्योंकि सिग्मा होता था जीरो। ठीक है नाउ फिर से वही एक्सरसाइज करनी है, ठीक है जैसे हम करते थे। ठीक है बट बिफोर दैट मैं थोड़ा सा यहाँ पर पॉज ले रहा हूँ। 5, 6, 7, 8 लिखने के बाद, मैक्सवेल इक्वेशन लिखने के बाद मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ यहाँ पर। हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या, हियर वी आर सेइंग दैट
Here, we say that under equilibrium condition, under equilibrium condition, rho f would be zero inside the conductor. आप क्या कह रहे हैं कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो कोई फ्री चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं रह सकता, ऐसा हम कह रहे हैं। बट ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मान लिया आपके पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर है और इसके अंदर आपने कोई फ्री चार्ज भर दिया है, कोई फ्री चार्ज आपने इसके अंदर भरा है, रो एफ जीरो मतलब, ठीक है। तो हम यहां पर क्या मान रहे हैं, लेट एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो रो एफ क्या है, क्या है इनिशियल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या है इनिशियल फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो एफ जीरो क्या है, इनिशियल फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टाइम टी जीरो पर उसके अंदर इतना फ्री चार्ज, ठीक। तो हम क्या कहते हैं फाइनली, ये चार्ज कहां चला जाएगा, चार्ज सरफेस पर चला जाएगा, ऐसा कहते हैं। ये कोई भी ऐसा कहा जाता है कि कंडक्टर के अंदर कोई भी फ्री चार्ज नहीं रह सकता, वो इवेंचुअली कहां चला जाएगा, मूव टू द सरफेस, वो सरफेस की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ओके। तो वो सरफेस की तरफ मूव करेगा, इट विल मूव टूवर्ड द सरफेस, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा, टाइम के साथ जो चार्ज ये वाला रो एफ है वो डिके करेगा या बढ़ेगा या कॉन्स्टेंट रहेगा, एज टाइम इंक्रीजेस रो एफ क्या होगा, रो एफ टी विल डिक्रीज और रिमेन सेम। हम कह रहे ना इस सरफेस पर चला जाएगा, इस पर चला जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे जो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो घटेगी, ओके, ठीक है ना। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या कहते थे, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहते थे कि एंटायर चार्ज विल गो टू द सरफेस एंड तब हम कैलकुलेशन करते थे। बट चूंकि ये डायनेमिक्स है, अब जो पढ़ रहे हैं आप डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स मतलब आपको ये भी चेक करना है कि चार्ज का डीके का बिहेवियर कैसा होगा टाइम के साथ। वहां तो हम कहते थे जब पूरी तरह बाहर चला गया सरफेस पर तब कैलकुलेशन शुरू होती थी, यानी कि वहां इक्विलिब्रियम अटेन होने तक का वेट करते थे हम, क्योंकि जब ये चार्ज बाहर जा रहा होगा तब वो टाइम का फंक्शन होगा, और वो टाइम का फंक्शन होगा तो क्या होगा, वी कैन नॉट अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वी कैन अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओनली इफ व्हेन एंटायर चार्ज रीच द सरफेस, ओके। तो वहां हम इक्विलिब्रियम अटेन होने का वेट करते हैं, बट यहां हम डायनेमिक्स बता रहे हैं कि वो डिके कैसे करेगा, समझ रहे मेरी बात। ये जो कंडीशन है वो क्या है, इक्विलिब्रियम है, जब अटेन हो गया तब की बात है, बट जब अटेन हो रहा होगा, जब चल रहा होगा प्रोसेस, तब तो जीरो नहीं होगा ना, घटेगा, ओके। तो इसको करते हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, Continuity equation. We know that कि डेल डॉट जे क्या होता है, होता है डेवर रो बाय डेवर टी, जे क्या होता है डेवर रो बाय डेवर टी, अगर मैं इस पर फ्री लगा दूं तो इस पर भी फ्री लगाना पड़ेगा,
अगर मैं इस पर फ्री लगा दूं तो इस पर भी फ्री लगाना पड़ेगा, ओके। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मैंने रख दिया, ओके। नाउ ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 9। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है कि जे फ्री किसके बराबर होगा, सिग्मा ई। इक्वेशन नंबर 10, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड ओम्स लॉ दोनों को मैंने लिखा, ओके, ये लिख दिया। तो यहां से इक्वेशन क्या बन गई इन दोनों को कंबाइन करने पर, इन दोनों को कंबाइन करने पर बन गई इक्वेशन, सिग्मा ई रख दिया मैंने, तो क्या बन गया, ये बन गया सिग्मा डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो फ्री बाय डेल टी, ये बन गया इक्वेशन नंबर 11। किसको मिक्स करने पर बना है, ओम्स लॉ एंड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, हो गया इतना। आगे चलते थोड़ा सा, फ्रॉम गॉसेस लॉ, गॉस लॉ, व्हाट इज गॉस लॉ, गॉस लॉ इज डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो फ्री, डेल डॉट डी इज रो फ्री, ओके। अब आप जानते होंगे क्या डी क्या है, एप्सिलॉन ई रो फ्री, तो यहां से डेल डॉट ई कितना आ गया, रो फ्री बाय एप्सिलॉन। ये क्या है, कौन सा लॉ है, गॉसेस लॉ, ये 12 है। नाउ फ्रॉम 12 एंड 13, फ्रॉम 11 एंड 12 मिक्स करो दोनों को, यानी कि हम तीन लॉ को मिक्स कर रहे हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ओम्स लॉ, गॉस लॉ, 11 एंड 12 क्या बन गया बताइए, डेल डॉट ई को रिप्लेस कर दो यहां से, तो बन गया सिग्मा रो एफ बाय एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस डेवर एफ by diver t implies that diver f by diver t equals to minus epsilon by sigma into rho free, equation number 13। अब ये क्या बता रहा है, equation 13 tells us that how charge density behaves with time, कैसे चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ बिहेव करती है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका अगर आप सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या होगा, रो एफ इज इक्वल टू ए टू पावर माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन टी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल रो एफ बाय रो एफ इक्वल्स टू माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन टी। तो जब आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो यू विल सी दैट एल एन ऑफ रो फ्री इक्वल्स टू माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू टी प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं, इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये है, टी इज सम कांस्टेंट, ओके। हम देख रहे हैं क्या, एट टाइम टी जीरो
at time t zero, what is rho free? Rho free t is what? Rho free zero. Okay, nahi. So c ka value kya aaya? C का वैल्यू आता है hence, C constant is ln what rho f zero. तो इन सबको कर दो आप mix. ऐसा करने पर क्या होगा, if you put all these things together, then rho f t at some time t, ये जो ln है ना, दोनों ln के साथ आ जाएंगे, माइनस साइन आएगा तो ये आएगा बिहेवियर, रो एफ जीरो ई पावर माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ है क्या? सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू टी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में ये बन रहा है पावर, ई पावर माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू टी, ये समझ रहे हैं आप, इक्वेशन नंबर 14, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है. व्हाट दिस इक्वेशन टेल्स अस, बोलिए ये क्वेश्चन हमें क्या बताता है, कि जो फ्री चार्ज डेंसिटी है वो कैसे डिके करेगी, एक्सपोनेंशियली, ठीक है, और वो क्यों डिके कर रही है एक्सपोनेंशियली, कारण देखो उसका कौन है, उसका कारण है कंडक्टिविटी, अगर आप कंडक्टिविटी को जीरो कर दो तो क्या होगा, क्या कभी फ्री चार्ज डिके करेगा, नो, ठीक है ना, जी. The behavior of decay is exponential. अब यहां पर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, rho f zero t over tau. Okay. Where tau is epsilon by sigma, इसको बोलते हैं relaxation time of conductor. अब ये time है क्या, if time t is tau, then rho f tau क्या होगा, rho f zero by e, बोलिए, so can you explain tau क्या है, बताइए tau, tau is the time, tau is the time in which tau is the time in which free charge density, free charge density inside the conductor decays to 1 by e value of initial charge density. Okay.
समझ गए बात, कि टाउ वो टाइम है जिसमें उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी हो जाती है डीके होकर, 1 बाई ई। आप मुझे बता सकते हैं 1 बाई ई का वैल्यू कितना होता है? 0.37। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है ई का, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू बताओ जरा। 2.71 होता है क्या, ये 73 होता है, बताइए एक बार। 71 तो इसका वैल्यू आएगा 0.37। इसका मतलब कितना डीके होना चाहिए, कितने डीके होना चाहिए? 37% रह जाएगा, है ना? डीके होकर रह जाएगा या डीके होगा उतना? डीके होकर रह जाएगा ये, ठीक है, इतना हो जाएगा बात, है ना? ठीक है, मुझे जरा 2 मिनट दो, आई विल जस्ट कम बैक। ओके, आई कम बैक। सो यहाँ पर जो टाउ है वो मैंने डिफाइन कर दिया कि टाउ वो रिलैक्सेशन टाइम है, टाउ को बोलते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम, कि जिसमें उस कंडक्टर के अंदर जो प्री चार्ज डेंसिटी है वो उसकी इनिशियल वैल्यू का सिर्फ 37% रह जाती है। इसका मतलब देखिए जरा, when you put a free charge inside the conductor, when you put a free charge inside the conductor, then conductor is not relaxed, conductor is stretched, conductor relaxed nahi hai, wo stressed hai, okay? ab stress release karega, wo kaise, pure charge ko kahan bhej kar
अपने स्ट्रेस को रिलीज करेगा, ठीक है, सरफेस है ना, वो अपने स्ट्रेस को रिलीज करेगा। तो इसलिए क्या है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम ऑफ कंडक्टर, यानी कि एक साइकिल की तरह आप मान सकते हो उसको। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, सॉरी जो फ्री चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, वो इस तरह डिके करेगी एक्सपोनेंशियली। तो एक साइकिल यानी कि एक रिलैक्सेशन टाइम में वो 37% रह जाएगी, अगले में फिर उसका 37% रह जाएगी, 37% रह जाएगी नेक्स्ट में, लाइक दिस, ओके। तो कितना टाइम लगेगा उसको पूरी तरह डिके होने में, हाउ मच टाइम इट विल रिक्वायर टू डिके, टेल मी। इन्फिनिटी, पूरी तरह खत्म होने में तो इन्फिनिटी लगेगा, बट ये है कि बहुत कम अमाउंट रह जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट भी बहुत कम है, 37% है, अगली बार उसका 37 होगा, तो एक दो साइकिल में ही उसका जो अमाउंट है इट वुड बी वेरी वेरी लेस, ठीक है ना, ये। बट हाँ, पूरी तरह आप खत्म करना चाहते हो तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ओके। तो ये डिस्कशन अलग का डिस्कशन था, ओके, ये इसमें चूंकि हमने ये वाली इक्वेशन लिखी थी ना, ये वाली इक्वेशन नंबर 5, तो ये इक्विलिब्रियम में लिखी हुई इक्वेशन है, ओके। बट जो फ्री चार्ज है कैसे डिके करता है, एक्सपोनेंशियली। तो मैंने कहा आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा, एक तो ये इक्वेशन 14 नंबर और एक टाउ का वैल्यू, दैट यू नीड टू रिमेम्बर। अब आगे बढ़ते हैं वहीं से, ये जो इक्वेशन है मैक्सवेल ना, तो हम क्या करते थे इसमें आगे, वेव इक्वेशंस बनाने के लिए, टू मेक वेव इक्वेशंस इन कंडक्टर व्हाट वी डू, सॉल्यूशन अज्यूम करते टू राइट डाउन वेव इक्वेशंस, टू राइट वेव इक्वेशंस इन कंडक्टर, what we do, take curl of equation number 7, take curl of equation 7, aisa humne vacuum mein bhi kiya tha, what we have now, we have curl of e equals to minus dever by dever t curl of b, ये मैंने लिख लिया है। Now from here what you have gradient of divergence of e minus del square e, ये बन गया, इसको लेफ्ट साइड को ओपन कर दिया हमने, कर लो बी, कर लो बी क्या है, म्यू सिग्मा ई म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या है, 0। तो क्या इक्वेशन बनती है हमारे पास, वी हैव डेल स्क्वायर ई, ओके, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो राइट साइड में और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आओ इसको, तो रहेगा माइनस म्यू सिग्मा डेवर ई बाय डेवर टी माइनस न्यू एप्साइलन, इट वुड बिकम डबल टाइम डेरिवेटिव 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 16। तो इक्वेशन 16 जो है वो किसकी वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर। सिमिलरली क्या होगा,
similarly, del square b is, ये कहां से आएगी जो नेक्स्ट इक्वेशन है? इट वुड कम फ्रॉम टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 8. ये मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन है. दीज आर वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर. मैंने कहा था किसी भी स्टेज में आप सिग्मा को जीरो करोगे तो वो डायलेक्ट्रिक में चली जाएगा. अब यहां भी चेक कर सकते हो, अगर आप सिग्मा को जीरो करो तो इक्वेशन किसकी वेव इक्वेशन बन जाएंगी? डायलेक्ट्रिक की. ओके, अब यहां पर आप जो टर्म देख रहे हैं ये वाली सिंगल डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सिंगल डेरिवेटिव टर्म्स हैं ये वाली, दीज आर डैम्पिंग टर्म्स. दीज आर डैम्पिंग टर्म्स, ये डैम्पिंग टर्म्स हैं. ये क्या बताती हैं? कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस मीडियम के अंदर जाकर डैम्प करेगा या ऑसिलेट करेगा. इट वुड डैम्प, वुड बी डैम्प. ठीक है, तो इसको बोलते हैं डैम्पिंग टर्म. इस टर्म की वजह से ही वो डिके करता है कंडक्टर के अंदर. तो देखिए कैसे डिके करता है. तो हम अपनी तरफ से क्या मानते हैं, सॉल्यूशन मानते हैं. लेट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस 16 एंड 17, 16 एंड 17 का सॉल्यूशन क्या है? तो हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सॉल्यूशन है वो है ई नॉट ई पावर आयोटा के. के की जगह मैं के स्टार लगा रहा हूं. ओके, इसका क्या कारण है अभी पता लग जाएगा आपको. मैं के ना लिखकर के स्टार लिखा है. वैसे बी का जो सॉल्यूशन है वो उसमें भी हम के स्टार लिखते हैं. ये हुआ. तो लेट दीज इक्वेशंस आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 16 एंड 17. ठीक है, जहां पर के स्टार क्या है, इट इज कॉम्प्लेक्स वेव वेक्टर. इट इज कॉम्प्लेक्स वेव वेक्टर, कॉम्प्लेक्स वेव वेक्टर. अब बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट इक्वेशन, ये जो ई एंड बी है दे आर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 16 एंड 17, सो दे मस्ट सेटिस्फाई दीज इक्वेशन. उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए उनको. तो उसको पुट कर दो वहां पर, ई में पुट कर दो, बी वैसा ही सोल्यूशन ले लेगा अपने आप. तो मैंने कहा था आपसे डेल स्क्वायर की जगह क्या आ जाता है, डेल स्क्वायर की जगह क्या आएगा, दो बार क्या आएगा, आई के स्टार टू टाइम्स. ये है ना, और डेल स्क्वायर ई है तो ई की जगह ई आ जाएगा. आगे चलते हैं. नेक्स्ट टाइम क्या है, टाइम डेरिवेटिव. टाइम डेरिवेटिव से क्या आता है बाहर, माइनस आई ओमेगा. ई वापस बन जाएगा वैसे. नेक्स्ट डबल टाइम डेरिवेटिव, तो आपको ये दो बार माइनस आई ओमेगा दो बार देगा जीरो. नाउ चूंकि
E is non-zero. Hence, what is zero? Zero बन रहा है देखो यहाँ पर माइनस I का स्क्वायर माइनस K स्टार स्क्वायर, यहां पर बन जाएगा प्लस आयोटा म्यू सिग्मा ओमेगा इंटू E तो हटा दिया मैंने. नेक्स्ट क्या बनेगा? आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस 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 प्लस फाइनली प्लस इंप्लाइज दैट K star square is mu epsilon omega square plus iota mu sigma omega. Equation number 18. Okay? तो आप देख सकते हैं जो wave vector आ रहा है, it is a complex quantity or the real quantity. Here you can see that मैंने इसको K star इसलिए लिखा था because it is complex now. Complex. मेरा भी नाम पूछ. It is complex. ठीक है. अब इसमें दो parts हैं. It has two parts, real and imaginary. ठीक है. अगर मैं कह रहा हूं ना किसी भी स्टेज में आप सिग्मा को जीरो कर दोगे तो ये वापस डायलेक्ट्रिक का फॉर्म ले लेगा. तो आप सिग्मा को जीरो करो तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो हट जाएगा, तो ये रियल बन जाएगा. ओके, इट विल बिकम रियल इफ यू रिमूव, इफ यू मेक सिग्मा जीरो. सिग्मा को जीरो करोगे तो रियल बन जाएगा. ओके, ये हुआ. ओके, अब मैं अज्यूम करता हूं लेट जो कॉम्प्लेक्स वेव वेक्टर है उसके दो पार्ट है, अल्फा रियल पार्ट है और बीटा इमेजिनरी पार्ट. लेट कॉम्प्लेक्स वेव वेक्टर है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, टू पार्ट 19. Where alpha alpha is propagation vector. Alpha को बोलते हैं propagation vector, beta को नहीं, propagation coefficient बोलते हैं, vector नहीं है. प्रोपगेशन कोएफिशिएंट और इसको बोलते हैं एटेन्यूएशन. एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट, एटेन्यूएशन का मतलब है वो डीके को बताएगा. ओके, तो आई एम अज्यूमिंग दैट के स्टार इज, के स्टार इज कंपोज्ड ऑफ रियल पार्ट प्रोपगेशन कोएफिशिएंट, इमेजिनरी पार्ट एटेन्यूएशन. अब ये कैसे एटेन्यूएशन है, यहां पर देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन. तो हम ये अज्यूम करते हैं यहां पर पहले, चलो हम एक काम करते हैं, ये हमने रियल इमेजिनरी बना लिया, इसका स्क्वायर करो जरा, इसका स्क्वायर करो. ठीक है, स्क्वायर करने पर क्या होगा, के स्टार स्क्वायर फ्रॉम दिस वुड गिव अस, इसका स्क्वायर देगा हमें अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा 2 अल्फा बीटा. इक्वेशन नंबर 20. K स्टार
में अल्फा और बीटा है, के स्टार स्क्वायर लिखा है मैंने, 18 एंड 20 को कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग 18 एंड 20 हमें क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू रियल पार्ट एंड टू अल्फा बीटा इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, ठीक, ये हमने ले लिया। अब हमारे पास दो अननोन है एंड दो ही इक्वेशन है, वी हैव टू अननोन एंड टू इक्वेशंस, ठीक है। तो क्या क्या अननोन है हमारे पास, अल्फा अननोन है और बीटा अननोन है और दो इक्वेशन, अगर आप इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस सॉल्यूशन, ऑन सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन यू विल गेट दीज टू सॉल्यूशन, ये आएगा, एक मिनट मैं भूल जाता हूँ ये एक्सप्रेशन में, म्यू एप्सिलॉन बाय टू आता है, वेट अ मिनट, म्यू एप्सिलॉन बाय टू अल्फा अंडर रूट आएगा, ओके, एंड देन आता है अंडर रूट वन प्लस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस वन पावर वन बाय टू। लेट मी चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, सिग्मा को जीरो करो, सिग्मा को जीरो करने से क्या होगा, ये आएगा अंडर रूट वन, अंडर रूट वन करने से होगा वन प्लस वन अंडर रूट टू वुड बी कैंसिल, तो ये सही आ जाएगा बिल्कुल। तो अल्फा ये है 21, ये किसको सॉल्व करने से आया, इन दोनों इक्वेशन को, सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन विल गिव राइज टू दिस अल्फा, ये है प्रोपगेशन कोफिशिएंट, और बीटा क्या आएगा, एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। अगर अल्फा आपको याद है, याद करना पड़ेगा भाई आपको, तो बीटा अपने आप याद हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं है, बहुत जरा सा फर्क है, अंडर रूट वन प्लस माइनस वन पावर वन बाई टू, इक्वेशन नंबर 22। इसमें आप सिग्मा को जीरो करेंगे तो बीटा विल बिकम जीरो, चेक करके देखो, इट शुड बिकम जीरो, व्हाई, क्योंकि जब आप डायलेक्ट्रिक में डील करते हैं तो देर इज नो इमेजिनरी पार्ट ऑफ के, ओके, क्योंकि रियल पार्ट किसको बताता है, प्रोपगेशन को, और इमेजिनरी पार्ट किसको बताता है, एटेन्यूएशन को, ओके, ये हो गया। तो ये हमारा अल्फा बीटा हो गया, अब थोड़ी देर के लिए हम अल्फा बीटा को यही स्टॉप करते हैं। अब चूंकि मल्टीप्लाई कहां पर, अल्फा और बीटा में मल्टीप्लाई में ओमेगा आएगा, अच्छा ओमेगा भी आता है, ओके ओके, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट आल्सो, ओके यस, ठीक है ना, ओमेगा बाय अल्फा ओमेगा बाय, हाँ आप ठीक है, आप ठीक, यस सर। तो ये अल्फा और बीटा ये हो गए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इनको यहीं पॉज करते हैं। अब देखते हैं व्हाट आई हैव सेड, मैंने कहा ये जो के का इक्वेशन है या के स्टार का जो इक्वेशन है ये किसको सेटिस्फाई करता है, ये हमारा ये क्या है, ओके, तो ये किसको सेटिस्फाई करता है, के स्टार का इक्वेशन, दिस इक्वेशन सेटिस्फाई वेव इक्वेशन 16 एंड 17, वो वेव इक्वेशन कहां से आए हैं, दे वेव इक्वेशन कम फ्रॉम फोर मैक्सवेल इक्वेशन,
तो यानी कि ये इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सिंस ये हम नंबर नहीं दिया था इसको, ठीक है, सिंस ई एंड बी सेटिस्फाई द वेव इक्वेशंस, hence they must also satisfy Maxwell equation. Maxwell equation कराओ भाई सेटिस्फाई मैक्सवेल जो पहली मैक्सवेल इक्वेशन है वो है डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो। तो जब आप इसको उसमें रखोगे तो यहां से क्या मिलता है, यहां से मिलता है आई के स्टार डॉट ई इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट कॉम्प्लेक्स वेव वेक्टर डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। 23 ये क्या बताता है, इट सेज दैट के स्टार इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, आई के स्टार डॉट बी इंप्लाइज दैट यहां पर क्या है, के स्टार इज परपेंडिकुलर टू बी, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डेवर बी बाय डेवर टी। ओके, यहां से क्या आएगा, आई के स्टार क्रॉस ई, आई के आ जाता है ना उसकी जगह, आई के स्टार क्रॉस ई माइनस माइनस आई ओमेगा इनटू बी, आई आई वुड बी कैंसिल तो ये प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा बी का एक्सप्रेशन, कंडक्टर के अंदर बी का एक्सप्रेशन बनेगा के स्टार क्रॉस by omega equation number 25 हो गया, equation number 25। So what it says, equation number 25 से क्या मिलता है कि b जो है k and e के बराबर निकल रहा है, इसका मतलब क्या है K star E and B are mutually perpendicular to each other. यही मिला, mutually perpendicular to each other। अगर आप
इक्वेशन नंबर नेक्स्ट से ही करेंगे, वो क्या था, उससे भी कोई नया रिजल्ट नहीं आने वाला है, वो भी क्या कहेगा, कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू क्या था, सिग्मा ई प्लस म्यू एप्सिलॉन क्या था, डेवर ई बाय डेवर टी, इससे आप करेंगे तो क्या मिलेगा, आई के स्टार क्रॉस बी इनटू म्यू भी आएगा सर सिग्मा के साथ, ओके म्यू आएगा, नो सिग्मा यहाँ पर आएगा म्यू, म्यू एप्सिलॉन ओके डेवर इससे क्या बनता है माइनस का आई ओमेगा इनटू ई, तो ई कितना हो जाएगा, E would be what? Iota K star cross B divided by mu I think common. क्या बनेगा? Sigma plus. क्या बन रहा? Sigma plus epsilon omega. Okay. Epsilon I omega. Okay. Minus बनेगा. Minus ये minus और ये minus plus हो जाएगा. Iota है ना ये है. ये है ना. ये हो गया हमारा equation number 26. इससे भी direction के बारे में क्या ख्याल है? ये बताता है K, B and E would be mutually perpendicular, ये ठीक, तो ये हो गया, तो ये तीन इंफॉर्मेशन इससे मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, और फिर मिलता है तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो कंडक्टर है कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो ट्रांसवर्स फॉर्म रखती है. अब देखते हैं आप तीनों परपेंडिकुलर हैं ये पता लग गया है, हम मानते हैं लेट के स्टार वेक्टर जो है वो है के स्टार जेड कैप, ओके के स्टार ओके, सर हाँ सर यहाँ माइनस जो लगाए हैं म्यू एप्सिलॉन, अच्छा अच्छा ये प्लस था ना, सॉरी सॉरी प्लस था सर, प्लस ही था वो, ठीक है ठीक है, अच्छा तो हाँ मैं कह रहा था यहाँ पर अगर हम के को जेड के अलोंग चूज करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स के अलोंग चूज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, आएगा के क्रॉस ई डायरेक्शन में, यानी कि जेड क्रॉस एक्स मतलब वाई में आएगा, ओके तो हमने हमने किस हिसाब से किया है, इक्वेशन नंबर 23 24 और 25 के हिसाब से किया मैंने जो डायरेक्शन चूज किए, ओके तो ये जो सॉल्यूशन हमने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लिखा था, E इक्वल्स टू E नॉट ये वाला वेक्टर, अब वेक्टर की जगह क्या आ गया, वैसे तो मैं पहले लिख देता हूं इसको, ये जो इक्वेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये क्या फॉर्म ले लेगी देखते हैं, ये बनेगा E नॉट, किस डायरेक्शन में माना है हमने x में, E पावर आयोटा, अब ये बात है यहाँ पर जब आप लिखेंगे ऐसे k स्टार स्केलर और k स्टार स्केलर को भी मैं क्या लिख देता हूं,
देखिए के स्टार स्केलर क्या है, अल्फा प्लस आई बीटा, मैं उसको इमेजिनरी और रियल में तोड़ देता हूं, रियल प्लस इमेजिनरी, ये के स्टार का वैल्यू है, ये उसका डायरेक्शन है, डॉट वेक्टर आर है माइनस ओमेगा टी, ये सबको अंडरस्टूड है। अब जब जेड कैप डॉट आर करोगे, आप जेड कैप डॉट आर करोगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ भाई, आर के अंदर होता है एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप जेड जेड, तो जो जेड के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, ओनली जेड मिलेगा, नहीं। तो यहां से क्या सॉल्यूशन आएगा, यहां से सॉल्यूशन आएगा ई नॉट एक्स कैप ई पावर आयोटा अल्फा जेड प्लस आयोटा बीटा जेड माइनस ओमेगा टी। अब देखो ये जो इक्वेशन है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इट इज नॉट गिविंग ऑसिलेटरी सॉल्यूशन, इसको बाहर ले आओ, जब इसको बाहर लाओगे तो क्या होगा, आयोटा इंटू आयोटा e की पावर माइनस बीटा जेड, तो ये जगह e पावर माइनस बीटा जेड, इलेक्ट्रिकली पॉइंटिंग अलोंग x डायरेक्शन, e पावर i अल्फा z माइनस ओमेगा t, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ओके, अब ये एक ऑसिलेटरी सॉल्यूशन है बट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज, डिक्रीज, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, ठीक है, और उस डिके के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, अल्फा रेस्पॉन्सिबल है या बीटा रेस्पॉन्सिबल है, इमेजिनरी पार्ट रेस्पॉन्सिबल है या रियल पार्ट रेस्पॉन्सिबल है, बीटा, बीटा, क्योंकि के स्टार का वैल्यू हमने क्या लिया था, के स्टार वाज अल्फा प्लस आई बीटा, तो ये बीटा जो है ये रेस्पॉन्सिबल है डीके के लिए, ओके, और ये बीटा खत्म कब होगा, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, बीटा तब जीरो होगा जब इंसुलेटर के लिए जब सिग्मा जीरो होगा, तो यानी कि सब कहानी जो है सब सिग्मा की वजह से हो रही है, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, बी का सॉल्यूशन आएगा कैसे, बी नॉट ई पावर माइनस का बीटा जेड ई पावर आयोटा अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी, किस डायरेक्शन में आएगा, वाई कैप में, इक्वेशन नंबर 28। इसका भी क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर डिकेइंग एक्सपोनेंशियली एज एज ईएम वेव प्रोपगेटिंग इनटू द कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन इट, मैं देखता हूँ कोई फिगर मिल गया मुझे तो ठीक है, वरना मैं ही बनाऊंगा इसको, कैसे डिके करेगा वो बताऊंगा।
मतलब ये टाइप है। कि बिल्कुल एक्सपोनेंशियल नहीं लग रहा है, नॉट लुकिंग एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल काफी फास्ट होता है, बहुत तेजी से गिरता है उसमें एम्पलीट्यूड। ओके मान लेते हैं ये एक बाउंड्री है, ठीक है। इस बाउंड्री के इधर फ्री स्पेस है, इस बाउंड्री के इधर क्या है, कंडक्टर। ओके, और ये है हमारी जेड डायरेक्शन, ये है हमारी जेड डायरेक्शन। ये मान लेते हैं एक्स है, मैं इलेक्ट्रिक व्हील का डीके दिखा रहा हूं, मैग्नेटिक व्हील का डीके भी वैसा ही होगा जैसा इलेक्ट्रिक व्हील का होगा। यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह का ऑसिलेटिंग, फ्री स्पेस में कैसा सॉल्यूशन रहेगा उसका, ऑसिलेटरी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। साइन वेव यहाँ लाना चाहता हूँ, उसको यहाँ मैक्सिमम होने, ऐसे आई मान लो, ठीक है। अब क्या होगा, इस मीडियम में जाने के बाद ये जो वेव है, ओके, मीडियम में जाने के बाद जो एम्पलीट्यूड है वो तेजी से डिके करेगा, ऐसा हो जाएगी। ओके, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा तो ऐसे दिखेगा आपको, ओके। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा डिस्टेंस के साथ वो तो कैसे डिके करेगा, अगर ये एम्पलीट्यूड क्या था, इट वाज ई नॉट, यहां पर कैसा बिहेवियर करेगा इलेक्ट्रिक व्हील का एम्पलीट्यूड, ई नॉट ई पावर माइनस बीटा जेड, बीटा जेड, ओके। तो इट वुड डीके एक्सपोनेंशियली, ये डायरेक्शन कौन सी है, जेड, ओके। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस जेड बाय डेल्टा, वी राइट इट लाइक दिस, जेड बाय डेल्टा,
जहां पर डेल्टा क्या है, डेल्टा इज नोन एज स्किन डेप्थ, वी कॉल इट स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ मतलब 1/बीटा, स्किन डेप्थ इज 1/बीटा। तो स्किन डेप्थ क्या है, अगर हम डेफिनेशन लिखें स्किन डेप्थ का, स्किन डेप्थ का डेफिनेशन, स्किन डेप्थ इज गिवन बाय डेल्टा, सो इट इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का मेजर है, इट इज द डिस्टेंस एट विच, क्या होगा बताइए, इट इज द डिस्टेंस इन टू द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर को है, इट इज द डिस्टेंस इन टू द कंडक्टर जिस पर क्या होगा, एट विच एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ ईएम वेव क्या हो जाता है, ड्रॉप्स टू, बताइए एक स्किन डेप्थ क्या डिस्टेंस है जिस पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, अगर मैं जेड को डेल्टा के बराबर रख दूं तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप्स टू 1/ई वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑन, कहां था एम्पलीट्यूड ऑन सरफेस, सरफेस पर जो एम्पलीट्यूड था उसका, भाई अगर आप क्या रखेंगे एट, यहां से सिंपल डेफिनेशन आ जाएगी, एट जेड इज इक्वल टू डेल्टा ई क्या बन जाएगा, ई नॉट बाय ई, एट जेड डेल्टा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ई नॉट बाई ई हो जाएगा ना, वही कह रहा हूं, ये वो डिस्टेंस है कंडक्टर के अंदर को जिस पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड है या मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड है कितना डिके होगा, 1/ई, ओके। अच्छा तो ये तो बीटा किसका काम कर रहा है, एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट का, और ये अल्फा किसका काम कर रहा है, प्रोपगेशन कोएफिशिएंट का, ठीक है, तो दो कोएफिशिएंट हो गए प्रोपगेशन एंड एटेन्यूएशन, ओके। तो ये हो गया हमारा ईएम वेव प्रोपगेशन थ्रू कंडक्टिंग मीडियम, ओके। अब यहां पर हम ना गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे, विल फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन द पुअर एंड द गुड कंडक्टर, डिफरेंस ऐसा होगा कि हमेशा गुड कंडक्टर ही होगा कोई मीडियम, नहीं, डिफरेंस बिटवीन गुड एंड poor conductor, good and poor conductor, ठीक है, तो कैसे होगा वो, ये होता है tau के हिसाब से। आप बताइए for a good conductor tau should be small or tau should be large, जितना कंडक्टर अच्छा होगा उतना tau कम होगा, जितना कंडक्टर poor होगा उतना tau ज्यादा होगा, तो for ideal conductor tau कितना होगा, zero। अगर मैं आपसे पूछता हूं for ideal conductor what is tau,
आइडियल कंडक्टर का मतलब होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा? इनफाइनाइट। तब टाउ कितना होगा? जीरो। टाउ वुड बी जीरो। इट मींस अगर आप फ्री चार्ज आइडियल कंडक्टर के अंदर रखते हो तो उसको सरफेस पर जाने में कितना टाइम लगेगा? इट विल टेक नो टाइम टू रीच द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, है कि नहीं? तो आइडियल कंडक्टर के लिए टाओ का वैल्यू क्या होता है? वैल्यू ऑफ टाओ इज दिस, है ना? फॉर आइडियल इंसुलेटर, इंसुलेटर पता है कौन होता है? डाइलेक्ट्रिक ही इंसुलेटर होता है, नहीं पता होगा ये बात को। फॉर आइडियल डाइलेक्ट्रिक सिग्मा का वैल्यू कितना होता है? जीरो। सिग्मा इज जीरो, इट मींस टाउ कितना होगा आइडियल डाइलेक्ट्रिक का? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम आउट टू द सरफेस? अगर हम डायलेक्ट्रिक के अंदर या इंसुलेटर के अंदर कोई फ्री चार्ज रखते हैं तो वो कितना टाइम लेगा सरफेस तक आने? इनफिनिटी। फाइनाइट। इट मींस इट विल नेवर कम आउट ऑन द सरफेस, कभी नहीं आ पाएगा वो सरफेस पर, वो हमेशा अंदर ही रहेगा। इसीलिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या कहा था कि डायलेक्ट्रिक के अंदर कोई फ्री चार्ज रखा है तो वो अंदर ही काउंट होगा, और अगर कंडक्टर के अंदर कोई फ्री चार्ज रखा है तो वो सरफेस पर आ जाएगा। ओके तो अब ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए, आइडियल कंडक्टर होना, टाओ का जीरो होना, ओके, एंड आइडियल डायलेक्ट्रिक होना, टाओ का इंफिनिटी होना, ये दो एक्सट्रीम्स हैं। सारे जो मटेरियल्स होते हैं इन दोनों के बीच में आते हैं, जो रियल मटेरियल्स होते हैं वो इन दोनों के बीच में आते हैं। ओके तो अब मैं अच्छे कंडक्टर की बात कर रहा हूं, मैं आइडियल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छे की बात कर रहा हूं, ठीक है? ओके और पुअर कंडक्टर होना आइडियल डायलेक्ट्रिक होना नहीं है, समझ रहे? नहीं, मैं इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूं, आइडियल कंडक्टर और आइडियल डायलेक्ट्रिक के बीच। तो आई एम टॉकिंग अबाउट गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर कौन है? तो अभी अभी हमने देखा कि अच्छा कंडक्टर वो होगा जिसका टाउ कम हो, है कि नहीं? अच्छा कंडक्टर वो होगा जिसका टाउ कम हो, बट किससे कम हो? कंपैरिजन के लिए कोई रेफरेंस लेवल भी तो होगा, नहीं होगा ना? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना उसका टाइम पीरियड, ये किसका टाइम पीरियड है? लगभग वैसे तो मैंने ओमेगा लिखा है, आप जानते हैं ना वन बाय फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वन बाय फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसका टाइम पीरियड है? ये टाइम पीरियड ऑफ वेव है, ये जो आप वेव अप्लाई कर रहे हो ना, वेव किस पर अप्लाई कर रहे हो आप बाहर से? यू आर अप्लाइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑन टू अ कंडक्टर, कंडक्टर पर अप्लाई कर रहे हो। तो अगर उस कंडक्टर का रिलैक्सेशन टाइम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेव के टाइम पीरियड से कम आता है, यहां पर ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट ईएम वेव, जो आप बाहर से डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अगर उस कंडक्टर का रिलैक्सेशन टाइम उस अप्लाइड वेव की फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड वेव के टाइम पीरियड से कम होता है, बहुत बहुत कम होता है, तो आप कह सकते हैं वो एक अच्छा कंडक्टर बिहेव करेगा। ओके अब इसी को आगे करते हैं। टाउ का वैल्यू रखो, टाउ का वैल्यू है एप्साइलन बाय सिग्मा, इससे कम हो तो अच्छा कंडक्टर बिहेव करेगा, वन बाय ओमेगा। इंप्लाइज दैट अच्छे कंडक्टर के लिए सिग्मा बाय एप्साइलन ओमेगा वाली जो क्वांटिटी है, सिग्मा बाय एप्साइलन ओमेगा वाली जो क्वांटिटी है अच्छे कंडक्टर के लिए,
वो वन से बहुत बहुत ज्यादा बड़ी होगी या वन से बहुत बहुत छोटी होगी? वो वन से बहुत ज्यादा बड़ी होगी। ये किसका डेफिनेशन है? इट इज डेफिनेशन ऑफ गुड कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर का डेफिनेशन है। अगर कोई अच्छा कंडक्टर होगा तो वो इसको फॉलो करेगा। वैसे स्टैटिक्स के हिसाब से तो सिग्मा ही डिसाइड कर देगा। स्टैटिक्स में कौन डिसाइड करेगा? सिग्मा। आप कहेंगे सिग्मा हाई तो अच्छा कंडक्टर, सिग्मा लो तो बुरा कंडक्टर। बट जब आप डायनामिक्स में आते हैं ओके, तो आप अकेले सिग्मा से डिसाइड नहीं कर सकते कि अच्छा है बुरा है। ठीक है, अच्छा कंडक्टर वो कंडक्टर जिसका सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा, तीन पैरामीटर है जिन पर डिपेंड कर रहा है वो। ओके, तो अच्छा, और अगर ये छोटा होता वन से बहुत, तो पुअर कंडक्टर की तरह बिहेव करता वो। ओके, समझे? नहीं तो ऐसा सिचुएशन है, मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई कंडक्टिंग वायर आपके पास है, कंडक्टिंग वायर है ये कोई, ओके, और उस पर आपने क्या अप्लाई किया है? यू हैव अप्लाइड सम एसी वोल्टेज ऑन टू इट, एसी वोल्टेज अप्लाई किया है। इस कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो सिग्मा है, और इसकी परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन है। और ये जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं यहां से, वो ऐसे है। तो अब बताइए, ये इस अप्लाइड वोल्टेज के लिए अच्छा कंडक्टर बिहेव करेगा या पुअर कंडक्टर बिहेव करेगा? तो क्या ये सिर्फ सिग्मा अलोन डिसाइड कर सकता है? अकेला सिग्मा नहीं डिसाइड कर सकता, आपको एप्सिलॉन और ओमेगा की हेल्प भी लेनी होगी, देन ओनली यू कैन डिसाइड कि अच्छा कंडक्टर है बुरा है। तो एसी में आप अकेले सिग्मा से डिसाइड नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात? तो जब इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, वी फाइंड आउट अल्फा गुड। अगर कोई अच्छा कंडक्टर है तो उसका अल्फा कितना है? कितना होगा बताओ? What was the expression of alpha? Alpha का expression था under root mu epsilon by 2 under root 1 plus sigma over epsilon omega whole square plus 1 power कितना था? 1 by 2 ये था। तो alpha में अगर हम ये वाली क्वांटिटी क्या है, सिग्मा और एप्सिलॉन ओमेगा, वन से बहुत छोटा है, नहीं वन से बहुत बड़ा है, सॉरी वन से बहुत बड़ा है, तो कैन वी नेगलेक्ट वन इन कंपैरिजन टू दिस? यस, वी कैन नेगलेक्ट इट। तो इस वन को नेगलेक्ट कर दो तो अंडर रूट हट जाएगा। फिर क्या करोगे? इस वन को भी नेगलेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा बाहर, म्यू एप्सिलॉन बाय 2 अंडर रूट सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा, ये बनेगा। अल्फा गुड क्या होगा बताइए? गुड कंडक्टर का अल्फा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल होगा, रूट ओमेगा म्यू अंडर रूट सिग्मा डिवाइड बाय 2। ओके, म्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, ओमेगा ऊपर आएगा है ना? यस सर। ये हमारा अल्फा गुड हो गया, अच्छे कंडक्टर का अल्फा। नाउ वी विल फाइंड आउट बीटा गुड। बीटा गुड, व्हाट इज बीटा? बीटा क्या है? पहले बीटा लिखते हैं, क्या है? बीटा इज ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाय 2 अंडर रूट 1 दिस स्क्वायर
माइनस वन पावर वन बाई टू. नाउ इफ यू नेग्लेक्ट वन इन कंपैरिजन टू, इफ यू नेग्लेक्ट दिस वैल्यू सॉरी वन इन कंपैरिजन टू दिस, आई थिंक इसका एक्सप्रेशन भी सेम आएगा. कितना बी का गुड वुड ऑल्सो बी सेम, कैसे अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा, म्यू एप्सिलॉन नहीं बचता है, म्यू सिग्मा ओमेगा बाय टू. इक्वेशन नंबर 30. अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम है किसमें, गुड कंडक्टर में. गुड कंडक्टर में अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम है. ओके ठीक है. तो समवन इज आस्किंग फॉर दिस. सर 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 ये जो ब्रैकेट की वैल्यू जो है आप वन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं सर, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है. ये नहीं लिखा मैंने अभी अभी गुड कंडक्टर का डेफिनेशन. ये क्वांटिटी नहीं है. ये तो क्वांटिटी है गुड कंडक्टर. गुड कंडक्टर में अल्फा का वैल्यू क्या होगा ये बनेगा, वैसे ही बीटा का वैल्यू क्या होगा. ये को नेग्लेक्ट मतलब वन को नेग्लेक्ट कर दिया इसके कंपैरिजन में, तो चाहे प्लस वन को करो या माइनस वन को कोई फर्क थोड़ी पड़ता है. ठीक ओके. तो अल्फा एंड बीटा ऑफ अ गुड कंडक्टर हैव द सेम वैल्यू. अब यहां पर निकालते हैं व्हाट इज द स्किन डेप्थ ऑफ अ गुड कंडक्टर. स्किन डेप्थ ऑफ अ गुड कंडक्टर, किसी अच्छे कंडक्टर के अंदर स्किन डेप्थ क्या होगी. एक मिनट 28 दो बार लिखती है. हाँ सॉरी, तो इट विल बिकम 29 30 31. तो बीटा गुड सॉरी डेल्टा गुड वुड बी 1/बीटा गुड. कितनी हो जाएगी स्किन डेप्थ इन अ गुड कंडक्टर, 2/μ σω. इक्वेशन नंबर 32. सो रिमेंबर दिस, स्किन डेप्थ गुड कंडक्टर में, वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी किसी अच्छे कंडक्टर के अंदर वी गुड वुड बी अल्फा. वैसे पहले क्या होता था, ओमेगा बाय के होता था, याद होगा आपको. अब के का काम कौन कर रहा है जरा देखते हैं इक्वेशन में. हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ के, अल्फा. अल्फा तो वेव वेलोसिटी किससे डिसाइड होगी, अल्फा से. ओके तो पुट द वैल्यू कितना होगा, ओमेगा ओमेगा वुड बी कैंसल्ड आई थिंक, नहीं अंडर रूट में ओमेगा, ये बनेगा अंडर रूट ओमेगा ऊपर 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय म्यू सिग्मा. ठीक है 33. तो किसी अच्छे कंडक्टर के अंदर जो वेव वेलोसिटी होगी ओके वो कौन डिसाइड करेगा, फ्रीक्वेंसी परमियबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिसाइड करेंगे. क्लियर. नाउ अगर कभी आपको ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. देखिए के स्टार जो है, के स्टार वो क्या है,
अल्फा प्लस आई बीटा है, ठीक है नहीं, अल्फा प्लस आई बीटा। अब आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं, मैंने माना कि e पावर आई फाइव, आपने ऐसे लिखा होगा या नहीं, इसको बोलते हैं फेजर फॉर्म, इसको बोलते हैं फेजर फॉर्म, फेजर फॉर्म, फेजर फॉर्म। आप बता सकते हैं क्या है के यहाँ और क्या है पाई यहाँ पर, के वैल्यू है यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अंडर रूट है, ये किसका वैल्यू है, के का, ओके, ई पावर आई पाई। अब पाई का वैल्यू क्या है, ये लिखता हूँ मैं, अलग से लिखता हूँ, तो पाई क्या होगा, पाई वुड बी tan इनवर्स, इमेजिनरी बाय रियल या रियल बाय इमेजिनरी, इमेजिनरी बाय रियल, बाय रियल, ओके। तो ये किसका वैल्यू है, इट इज द वैल्यू ऑफ k, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वेव वेक्टर को दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो आप अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखो ऐसे करके कि रियल प्लस इमेजिनरी ऐसे लिखो, या फेजर फॉर्म में लिखो, ओके, तो ये बनेगा। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, 34 एंड 35। तो व्हाट डू यू सी हियर, आप क्या देखते हैं यहां पर, आप क्या देखते हैं यहां पर, कि जो अल्फा और बीटा है, मतलब कॉम्प्लेक्स होने की वजह से उनके बीच में एक फेज डिफरेंस आया, ओके, तो जो फेज डिफरेंस अल्फा और बीटा में होगा वही फेज डिफरेंस ई एंड बी में होगा, ओके, इसको मैं आगे बताऊंगा खैर, बट फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड बी इज फाइव, फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड बी इज फाइव, फाइव क्या है यहां पर, फाइव इज फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड बी, कितना होगा, अगर कुछ भी नहीं दिया है, कुछ नहीं कहा है, तो पाई गुड कितना होगा बताइए, अगर कुछ नहीं दिया है तो पाई गुड कितना होगा, बीटा गुड, पाई अल्फा गुड, अगर कोई पैरामीटर नहीं दिया है तो कितना आएगा, टेन इनवर्स वन आएगा, यानी कि कितना डिग्री का फेज डिफरेंस होगा बाय डिफॉल्ट, अगर कोई पैरामीटर नहीं दिया है तो, तो कितना फेज डिफरेंस होता है किसी गुड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, 45 डिग्री होता है, ओके, 45 डिग्री फेज डिफरेंस होता है, और वो 45 क्यों आया है, क्योंकि अल्फा एंड बीटा क्या है, दे आर सेम, ठीक है, दे आर सेम, दैट इज वाई, आगे चलते हैं। अब लिखते पुअर कंडक्टर, या मैं एक 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 फॉर्म और लिखता हूं यहां पर, यही जो इक्वेशन नंबर 35 है उसको हम क्या लिख सकते हैं एक और तरीके से, फ्रॉम इक्वेशन 35
ये सभी पर लागू होती है, जरूरी नहीं गुड कंडक्टर पर ही लागू हो। फ्रॉम इक्वेशन ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा। अब अल्फा और बीटा की इक्वेशन हमें पता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के बाद। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपको सिग्मा एप्सिलॉन ओमेगा दिए हुए हो तो ये इक्वेशन अप्लाई करो, और कहीं अल्फा और बीटा दिए हुए हो तो ये इक्वेशन अप्लाई करो। मतलब आप कहेंगे कहां पर क्या अप्लाई करना है, तो भाई वो डिपेंड करेगा व्हाट इज गिवन टू यू। अल्फा और बीटा पता है तो ये अप्लाई करो, सिग्मा एप्सिलॉन ओमेगा पता है तो ये अप्लाई करो। ओके, तो बोथ विल गिव यू 45 डिग्री आंसर हियर। क्यों, दोनों ही 45 देंगे। क्यों, क्योंकि ये देखो अच्छे कंडक्टर के लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है मतलब इट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी ना। टेन इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है, कितना डिग्री होता है टेन इनवर्स इंफिनिटी, 5/2। तो कितना हो गया आंसर, 5/4। 5/4 मतलब 45 डिग्री। तो यू कैन अप्लाई आइदर ऑफ द इक्वेशन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन टू यू। ये कहां से आया, इससे अल्फा और बीटा के वैल्यूज हमें पता है ना, उसी को एडजस्ट करने के बाद। आगे चलते हैं, पुअर कंडक्टर का डेफिनेशन निकालते हैं। नेक्स्ट इज पुअर कंडक्टर। तो पुअर कंडक्टर कौन होगा भाई, जो आप बाहर से वेव डाल रहे हैं, अगर रिलैक्सेशन टाइम ऑफ कंडक्टर बहुत बड़ा है किसके मुकाबले, बाहर से जो वेव डाल रहे हो उसकी उसके टाइम पीरियड के मुकाबले, तो वो एज अ पुअर कंडक्टर बिहेव करेगा। तो पुअर कंडक्टर का डेफिनेशन क्या हो गया, एप्सिलॉन बाय सिग्मा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा, इंप्लाइज दैट सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा अगर बहुत छोटा है वन से, इट वुड बिहेव एज अ पुअर कंडक्टर, वो पुअर कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज अल्फा पुअर, अल्फा पुअर, अल्फा पुअर, ये क्वांटिटी वन से बहुत छोटी है, तो कैन वी नेग्लेक्ट इट, वी कैन नेग्लेक्ट दिस इन कंपैरिजन टू वन, हम वन के मुकाबले इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वन के मुकाबले उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। जो वन के मुकाबले उसको नेग्लेक्ट करेंगे आप, तो क्या बचेगा, वन प्लस वन टू, रूट टू वुड बी कैंसल, तो क्या बचेगा, अंडर रूट ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। तो पुअर कंडक्टर के अंदर जो अल्फा है वो ये आता है, इससे जो आएगा वी पुअर, वेव वेलोसिटी इन पुअर कंडक्टर वुड बी, वेव वेलोसिटी इन पुअर कंडक्टर वुड बी ये होगा, ये है वेव वेलोसिटी। नेक्स्ट बीटा पुअर, बीटा पुअर। अब बीटा में अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं इस वन के कंपैरिजन में, तो वन माइनस वन विल बिकम जीरो। ओके, बट जीरो के नियर कोई तो वैल्यू होगी ना, जब भी ऐसा करने पर जीरो आ जाए कोई क्वांटिटी कहीं भी, तो वी फाइंड आउट अ स्मॉल वैल्यू ऑफ दिस। तो स्मॉल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते जानते हैं हम,
तो हमारे पास है बीटा का वैल्यू अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन दिस। ओके, अब आप देख रहे हैं यहां पर ये है एक्स, मान लिया ऐसे, तो वन प्लस एक्स पावर कितना है अगर छोटा है तो? आप जानते हैं वन प्लस एक्स पावर है वन बाई टू या एन, कोई भी, तो उसको क्या लिख सकते हैं अगर एक्स बहुत छोटा है तो? वन से वन प्लस एन एक्स, वन प्लस एन एक्स, तो लिख दीजिए उसको वन प्लस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा होल स्क्वायर इंटू वन बाई टू, क्योंकि अंडर रूट था माइनस वन और पूरे का अंडर रूट, तो क्या होगा यहां पर दिस क्वांटिटी वुड बी कैंसिल, तो बीटा पावर कितना आ जाएगा यहां ओमेगा होगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाय टू होगा, और अंडर रूट हटने से क्या होगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन ओमेगा ऐसे आ जाएगा, और रूट टू किसमें आएगा अंडर रूट, है ना, तो इसका ऐसा करने से क्या होगा ओमेगा एंड ओमेगा वुड बी कैंसिल अंडर रूट हो जाएगा, तो ये बचेगा सिग्मा रूट टू वुड बी टू डिनोमिनेटर में, सिग्मा बाय टू अंडर रूट म्यू बाय एप्सिलॉन बचेगा म्यू और नीचे बचेगा एप्सिलॉन, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर। तो स्किन डेप्थ कितनी आएगी, स्किन डेप्थ वुड बी डेल्टा पूअर वुड बी वन बाय बीटा पूअर आएगा टू बाय सिग्मा अंडर रूट साइलेंट बाय म्यू, तो पूअर कंडक्टर का स्किन डेप्थ इस फॉर्मूले से निकल सकता है। ओके, स्किन डेप्थ हो गया। अब इफ यू वांट टू कैलकुलेट द फेज डिफरेंस तो यू कैन अप्लाई द स्क्वायर इनवर्स बीटा बाय अल्फा फॉर्मूला, ठीक है, वो लगाकर निकाल सकते हैं, क्या आएगा उससे लगाएं तो उसमें सिग्मा की जरूरत पड़ेगी। ओके, चलो कोई नहीं, इसको इतना ही रहने दो। ओके, हाउ मच टाइम वी हैव, ठीक है, तो चलो मैं, हाँ बाकी बाद में कराऊंगा, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ फॉर योर प्रैक्टिस, ये अभी बचा है इसमें अभी, तो कितना पेज छोड़ दे, क्या कह रहे हैं सर, बताइए सर, वो फेज डिफरेंस अल्फा और बीटा के बीच में है ना, फिर ए और बी के बीच में कैसे हुआ, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अल्फा और बीटा का डिफरेंस फेज डिफरेंस ही ई एंड बी का फेज डिफरेंस बनेगा आगे जाकर, आप चेक करेंगे। ओहो, ये नहीं कर पाओगे अभी आप, मैंने ये नहीं बताया ना आपको कि इसमें कितना होगा, मतलब कौन आगे रहेगा कौन पीछे, ये नहीं बताया मैंने आपको। एक काम करो, चलो आप ना ये कर दो, असाइनमेंट 7 69 पेज,
69 पेज पर this is also 69 page this one is favorite question of examiner for conductor page 69 first mein a next isme bhi a yes sir and give out 12 second dobara karo symbol confuse kar diya symbol de ये क्या है यस ये परमिटिविटी नहीं है इसको कौन से सिंबल से दिखाते हैं अब एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर इज गिवन एज 10 परमिटिविटी कभी इतनी कम नहीं होती परमिटिविटी ये बनेगी परमिटिविटी इतनी कम नहीं होती कभी भी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कितनी बनेगी परमिटिविटी 8.85 इनटू 10 टू द पावर माइनस 12 इनटू 10 ठीक है ये ऑर्डर है इसका तो अब बताइए कितना होता है टाउ रिलैक्सेशन टाइम जिसमें डीके करने में लगता है उसको लिखते हैं एप्सिलॉन बाय सिग्मा अब वन बाय कंडक्टिविटी क्या होती है रो रो रेसिस्टिविटी तो ये क्या होगा रो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अब निकालो रो वुड बी 10 टू द पावर 11 ओम मीटर एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 10 तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में तीनों ये कितने सेकंड आ रहा है आंसर 8.85 सो विच आंसर इज बेस्ट 10 सेकंड 10 8.85 किसके क्लोजर है जीरो के या इसके 10 के इट इज क्लोजर टू 10 डी आंसर है ओके सिंबल पर ध्यान देना बहुत बार कंफ्यूज करता है नेट के एग्जाम में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को सिंबल परमिटिविटी से लिख देता है तो जो लिखा है ना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस पर ध्यान देने की जरूरत है और वैसे भी हमें पता है ऑर्डर क्या आता है इसका परमिटिविटी का जो ऑर्डर होता है वो ये है देखो 10 टू द पावर माइनस 12 इतना ज्यादा नहीं हो सकता परमिटिविटी कभी भी तो ध्यान से करेंगे क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज करता है ऐसे ओके ठीक है तो आज इतना ही रखते हैं डाउट बताओ स्लाइड
वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, यहाँ पे जो वेव वेलोसिटी कैलकुलेट किया गया है इसमें सर यहाँ पे अल्फा ही क्यों लिया गया, मतलब इसमें अल्फा से ही डिवाइड किया गया है, अगर उसके मोड से डिवाइड करें अल्फा प्लस आई बीटा के सर, जैसे वी वेव वेलोसिटी कैलकुलेट किया गया है तो जैसे गुड के लिए, गुड कंडक्टर के लिए ओमेगा बाई अल्फा गुड लिया गया है तो ये अल्फा क्यों लिया गया, अल्फा की जगह हम जैसे के की वैल्यू के लिए हम उसका मोड बीटा की भी वैल्यू इसमें इंक्लूड करें तो नहीं सही रहेगा। देखो मेन ऑर्डरिंग जो आती है वो अल्फा से आती है, मेन ऑर्डरिंग जो आती है वो अल्फा से आती है, ठीक है, बट समटाइम्स हम मोड भी यूज करते हैं, इट डिपेंड केस टू केस, ओके ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वेव वेलोसिटी पूछ रहा है तो अल्फा का यूज करो, बट अगर आपको फेज पूछ रहा है आगे चेक आगे हम बताएंगे इसको तो के का यूज करना पड़ेगा, तो अभी फिलहाल आप अल्फा ही मान के चलो, वेव वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा बाय अल्फा होती है, ठीक, वेव वेलोसिटी ओमेगा बाय अल्फा होती है, जब फेज की बात करेंगे तब मैं बात करूंगा, अभी क्योंकि ये पूरा नहीं हुआ टॉपिक, तब हम के का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर जैसे पर्टिकुलर यहाँ बीटा को छोड़ने का कोई रीजन है क्या? भाई मैं बताया तो बीटा तो बिल्कुल ही अलग क्वांटिटी हो गई, आप देखो ना। अच्छा ये क्या पूछ रहे हैं आप, ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये देखो ये तो डैम्पिंग में आ गई ना, के की जगह कौन बिहेव कर रहा है, हु इज बिहेविंग लाइक के, ऑसिलेटरी मोशन में अल्फा अल्फा। हाँ सर समझा, मैं समझ गया, थैंक यू सर। सर 37 एक बार इक्वेशन समझा दीजिए। कौन सी इक्वेशन सर? वो 37 ये 35 थी यहाँ पर सर, वो 37। हाँ सर tan inverse बीटा बाय अल्फा, उसको एक और तरीके से लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को ऐसे, ये कहाँ पे आया, फ्रॉम वेयर इट केम, अल्फा और बीटा वैल्यूज है हमारे पास, ये रे अल्फा और बीटा का वैल्यूज है हमारे पास, ये अल्फा 21 नंबर और 22 नंबर बीटा है,
तो उसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, ओके, तो ये फॉर्म आ जाएगा। इसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है ना, कैलकुलेट नहीं किया है, बट लिखा है सीधे, क्योंकि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा ना इससे एडजस्ट करके, तो इट विल टेक 15 मिनट्स एटलीस्ट, 10-15 मिनट ले जाएगा। तो आप इसको याद कर लीजिए। ओके सर, ये 1/2 आ रहा था ना, तो फिर वही कंफ्यूज हो गया। 1/2 आएगा, एडजस्टमेंट करोगे जब मैथमेटिक्स का, तो आएगा ही 2, और उसका लॉजिक मैंने बता दिया आपको। अगर आपके पास गुड कंडक्टर है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा जो है वो बहुत बड़ा होगा 1 से, इसका मतलब किसकी तरफ टेंड करेगा, इंफिनिटी। तो टेन इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है, 90 होता है, नहीं? Yes, sir. By 2 कितना हो गया, 45, दोनों से 45 आ जाएगा, तो 1/2 फैक्टर तो आएगा ही। इसमें नहीं आता बीटा और अल्फा में, बट जब सिग्मा एप्सिलॉन का यूज करते हो तब आता है। ठीक सर। अच्छा एक बात और समझ ले, अगर ये डायलेक्ट्रिक होता तो सिग्मा कितना होता, जीरो, जीरो होता। टेन इनवर्स जीरो किसका वैल्यू है, जीरो का, जीरो। इसका मतलब अगर डायरेक्ट्रिक होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कितना फेज डिफरेंस होता, जीरो का, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना। तो दैट बाकी सब जो मटेरियल होते हैं इनके बीच में आते हैं, ठीक है। और ठीक है, यस सर, चलो फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में। टेस्ट कब है आपका, 21, आज का डेट है 16, ओके, तो देखते हैं उसको पूरा मैग्नेटोस्टैटिक रखेंगे या तो या ईएमएफ तक रखेंगे, लेट्स सी, या तो पूरा मैग्नेटोस्टैटिक सिर्फ, या मैग्नेटोस्टैटिक प्लस ईएमएफ और इंक्लूड कर देंगे, देखते हैं क्या करना है। Thank you.